जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के रूप में, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के रूप में, या किसी दूसरी वस्तुओं से संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इस प्रकार के जो ये प्रोनाउन है, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो हम इनको फॉर्म इनकी अलग अलग में बांट सकते हैं। कैसा? सबसे पहले जैसे हम करेंगे सब्जेक्टिव या नोमिनेटिव केस, ठीक है? उसके बाद है ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस, उसके बाद पोजेसिव या जेनेटिव केस, इसको हम कह सकते हैं एडजेक्टिव के अंदर, और पोजेसिव प्रोनाउन यानी कि इसको हम चार फॉर्म के अंदर बांट सकते हैं। जैसा अपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आपने सुने है ना ये, ठीक है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है? इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से आते हैं अपने? फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं। फर्स्ट पर्सन में जैसे आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, किसी का नाम या दे, प्लूरल में आ गए, ठीक है? तो हम इनको डिटेल से जानते हैं कि कौन कौन से किस किस केस के अंदर आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में अगर बात करें सबसे पहले आई, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो बात को कह रहा होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, जो बात को सुन रहा है वह कौन है? वह है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है हमारा सिंगुलर में आई, ठीक है? उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? आई का आई नहीं रहता, आई का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, मी में बदल जाता है, ठीक है? और उसका अगर पोजेसिव केस करें आई, जैसे कोई मेरी चीज है तो आई मतलब मेरी कोई चीज है तो उसको क्या यूज करूंगा मैं? माई, ठीक है? और अगर पोजेसिव प्रोनाउन में इसका बनाता हूं आई का, तो क्या बन जाता है? माइन। तो ये सब सिंगुलर नाउन के अंदर आते हैं, आई, मी, माई और माइन। क्लियर है? उसके बाद प्लूरल में आता है वी, वी मतलब हम। अगर वी, वी का अगर हम ऑब्जेक्टिव केस करें कि हमारा अगर उसको हम ऑब्जेक्ट के अरे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो वी नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह लिखेंगे अस, ठीक है, हमें। और अगर इसका पोजेसिव केस बनाए हम तो इसका बनेगा आवर, हमारा। और अगर हम इसका पोजेसिव प्रोनाउन बनाए तो बनेगा इसका आवाज, हम सब का, ठीक है? अगर हम बात करें सेकंड पर्सन की तो सेकंड पर्सन यू, यू मतलब आप या तुम। अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव केस करें तो यू का हमेशा यू ही रहता है, और अगर इसकी पोजेसिव केस की हम बात करें तो यू का क्या हो जाता है? यूअर, तुम्हारा, तुम, तुम्हारा, और पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा इसका यूअर्स, तुम सबका, तुम लोगों का, ठीक है? उसके बाद थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नाउन जो ही, सी और इट, ही मतलब वह, ही का प्रयोग हम मेल के लिए करते हैं और सी का प्रयोग हम फीमेल के लिए प्रयोग करते हैं, व्यक्तियों के लिए। और जैसे बॉय के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे और गर्ल के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। इट ये न्यूट्रल जेंडर के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे ही का अगर हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ही की जगह क्या हो जाता है? हिम, ठीक है? और अगर हम इसका पोजेसिव केस बने ही, हिज, उसका, और पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर ही इसका उसका ही रहेगा, ठीक है? ही, हिम, हिज, हिज। उसके बाद अगर हम बात करें सी की, सी वह, लड़की के लिए प्रयोग होता है, सी, हर, जो पोजेसिव ऑब्जेक्टिव केस जो बनेगा वो बनेगा हर, और जिसका पोजेसिव अगर हम बनाए तो हर, और पोजेसिव प्रोनाउन बनाए तो हर्स, ठीक है? सी, हर, हर, हर्स। इट का ऐसे ही बनेगा, इट मतलब ये है,
इट का जो ऑब्जेक्टिव है वो इट ही रहेगा और पजेसिव के अंदर इट्स हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी पजेसिव प्रोनाउन की तो पजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं बनता, यहीं तक बनेगा। उसके बाद है जो हमारा दे, दे मतलब वे, दे का क्या हो जाता है अगर हम इसका ऑब्जेक्टिव केस करेंगे तो देम हो जाएगा, और अगर हम इसकी पजेसिव की बात करें तो इसका हो जाएगा देयर उनका, और अगर हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो डियर्स मतलब उन सब का, ठीक है। तो ये है, एक बार देख ले, आई मी माई माइन, वी अस आवर आवर्स, यू यू यूअर यूअर्स, ही हिम हिज हिज, सी हर हर हर्स, इट इट इट्स खालिस्तान, दे देम डियर डियर्स। तो ये इस प्रकार है, और अब हम इसको बारी बारी से इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे इसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, कैसे उसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, कैसे हम इनका संबंध बनाने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यदि प्रयोग होता है तो हम उसे नोमिनेटिव केस के अंदर रखते हैं, यानी कि वह वाक्य नोमिनेटिव केस के अंदर आ जाता है। कैसे आता है, जैसे सी वेंट टू दिल्ली बाय बस, अगर हम ये वाक्य लिख रहे हैं तो जो शुरू में हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट यानी थर्ड पर्सन, तो ये सी थर्ड पर्सन है ना, अगर हम यहां पर क्या लिख दें, हर हर वेंट टू दिल्ली बाय बस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर ऑब्जेक्टिव केस को नहीं रखते, ठीक है। किसको रखते हैं, सब्जेक्ट के अंदर रखते हैं। तो सेकंड जो हमारा नियम है, ये समझ आ गया ना, यस। यदि कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर रखा जाता है, जैसे द टीचर टोट देम लास्ट नाइट। अब जो देम शब्द आया है यह हमारा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है और यह थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो यह हमारा सेंटेंस बिल्कुल ओके है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें द टीचर टोट दे लास्ट नाइट, तो हम इसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते, हम इसको किसके रूप में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, ठीक है। हम इसको नोमिनेटिव केस के अंदर नहीं लिखते, हम उसको हमेशा किसके अंदर लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में। दूसरा तीसरा नियम जो हमारा है वो है लेट अथवा किसी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ही लिखा जाता है। कैसे, जैसे लेट हिम डू दिस वर्क, तो लेट के बाद जो हमने यूज किया है प्रोनाउन हिम, न कि लेट ही डू दिस वर्क, ही नहीं आएगा वहां पर, क्या आएगा, हिम आएगा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट नियम है कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, कैसे, जो पजेसिव प्रोनाउन है हमारे उनका जो किसी अगर वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कैसे करते हैं, देखते हैं। These books are not mine, ठीक है। अगर मैं इसको यहां लिखूं कि these books are not my, तो my जो है वो गलत हो जाएगा, हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसको पजेसिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे और सेंटेंस बनेगा हमारा these books are not mine, ठीक है। my यहां पे यूज करेंगे, न कि my या I, ठीक है। तो ये नियम आज के हमारे इतने ही, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम यूज ऑफ इट करेंगे और उसके बाद जो हमारे सिक्स जो प्रोनाउन बच गए हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन वो उनको हम करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जल्द ही आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।